हेलो दोस्तों, तनाज टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पांच ऐसी ट्रिक लाया हूं जिससे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहां मैं वाईफाई की नहीं बात कर रहा हूं, मैं यहां आप जो मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं मैं उसी के बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा, थंबनेल में लिखा होगा कि एक ऐप इंस्टॉल करिए तो आपका इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़ जाएगा या फिर बहुत स्पीड चलने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप अपना इंटरनेट स्पीड मतलब इतनी जल्दी इतना नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ पांच टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप खुद ही महसूस कर पाएंगे या देख पाएंगे कि आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ चुका है। तो जानने के लिए आगे ये वीडियो देखते रहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है तनाज, आप देख रहे तनाज टेक। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल में जो भी आपके अनयूजेस ऐप है, कुछ भी अनयूजेस जो आपका यूज़ नहीं होता है, पड़ा हुआ रहता है, तो आपको उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐप्स आपके बैकग्राउंड में रन होता रहता है और आपका जो है डेटा कंज्यूम करता रहता है। तो इसी के साथ आपका डेटा जो है स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने की वजह से आपका जो है डेटा डिवाइड हो जाता है और आपका जो डेटा है आप स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो जो अनयूज्ड ऐप्स है आपके मोबाइल में जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको पहले सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना होगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो है, आपका मोबाइल में बहुत सारे जो है विजेट्स यूज़ करते हैं जिससे आपका वेदर, आपका टाइम, डेट जो भी है अपडेट होता रहता है, वो आपके इंटरनेट के यूज़ होके ही आपका जो है नेट दिखाता है आपके सब कुछ। तो आपको क्या करना होगा, विजेट्स को बंद करना होगा, या फिर आपके अगर यूजेस ना हो तो उसको आप बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है डेटा स्प्लिट नहीं होगा, उसके वजह से आपका जो है नेट स्पीड चल सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो आप अपने फ़ोन पे एड ब्लॉकर का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो आप जब ब्राउजिंग करते हैं उस टाइम आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं, उससे क्या होता है आपका इंटरनेट स्पीड और भी स्लो हो जाता है, क्योंकि वो ऐड कुछ आपका जो है डेटा कंज्यूम कर लेता है। इससे अच्छा आप ऐड ब्लॉकर का यूज़ कीजिए। प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप ऐड ब्लॉकर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कोई सा भी उठा लीजिए रेटिंग के हिसाब से, लेके आप उसको ऐड ब्लॉकर को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ऐड है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपका इंटरनेट जो है स्प्लिट नहीं होगा, इससे आपका इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारे दोस्तों, आपका जो मोबाइल में आप अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल में एक सिंक का ऑप्शन आता है, गूगल में एक सिंक का ऑप्शन आता है, जिससे आपका सिंक जब ऑन रहता है तो आपका एवरी 5 मिनट्स आपको अपडेट मिलता है। इससे क्या होता है, वो आपके इंटरनेट से आपका मतलब डेटा कंज्यूम करता है और उसके बाद आपको वो है जो अपडेट देता है। तो अगर आप अपना इंटरनेट स्पीड बढ़ाना चाहते हो और अगर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप गूगल फाइल में जाके, गूगल अकाउंट में जाके अपना सिंकिंग जो है ऑफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपके ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही कीजिए, नहीं तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप जब इंटरनेट यूज़ करना हो जाए तो आप जाके सिंकिंग फिर ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगली टिप है हमारी दोस्तों, आप जब अपने फ़ोन पे कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं या फिर ऐप यूज़ करते हैं, तो आप उसका जो मेन ऐप है उसकी जगह आप लाइट ऐप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कि जैसे कि आपका फेसबुक जो है, फेसबुक होता है वो आपका जो मेन ऐप होता है, उससे बहुत डेटा कंज्यूम होता है, इसलिए आपका जो है नेट बहुत स्लो होता है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक का जो लाइट ऐप है आप लाइट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जो कोई भी ऐप है जिसका लाइट ऐप मिलता है आपको प्ले स्टोर में, आप वहाँ से जाके उसका लाइट ऐप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका इंटरनेट जो स्पीड बढ़ सकता है। तो एक और चीज़ दोस्तों आप कर सकते हैं, आप जिस भी ब्राउज़र में या जिस भी ऐप में आप यूज़ करते हैं, तो आप उसमें सिंपली जाइए, ऐप इंफॉर्मेशन में जाइए, वहाँ पे जाके जो कैश फाइल है, कैश फाइल आपको उसको क्लियर कर दीजिए। जैसे कि आप यूट्यूब यूज़ करते हैं या फिर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो इन सब की आप क्या करिए, कैश फाइल जो है क्लियर कर दीजिए। इससे क्या, आपका जो डेटा कंज्यूम होता है, डेटा स्पीड तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मोबाइल के इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपका स्पीड बढ़ा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।